क्लास सिक्स के तालबे इल्म अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो फरमाएं, सब्जेक्ट है आपका माशरतुल उलूम, चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, लेकिन आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। उन्वान है माशरा। सबसे पहले हम इस सबक में पढ़ेंगे माशरा क्या है, माशरा किस तरह तरक्की पाता है, किस तरह अपनी तंजीम नौ करता है, और पहले माशरे की शक्ल क्या थी और वो किस तरह मुख्तलिफ अदवार में बदल कर मौजूदा शक्ल क्या है। अफराद का एक ऐसा ग्रोह जो एक साथ रहते हैं और एक साथ एहसास और बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं, वो माशरा कहलाता है। माशरे में रहने वाले लोग, अब हमें ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग माशरे में रहते हैं वो टोलियों की शक्ल में भी रहते हैं, वो ग्रोह की शक्ल में भी रहते हैं, तो उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या होता है, उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी, उनके अकायद, उनके मेयार, उनके रिवाजात एक दूसरे से मुश्तरक होते हैं और यही उनकी सकाफ़त होती है। वक्त के साथ साथ माशरे तब्दील होते गए और माशरे को मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम किया गया। पहले माशरा शिकारी टोलियाँ यानी टोलियों की शक्ल में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते थे, और ज़्यादातर शिकारी टोलियाँ ऐसी जगह जाके आबाद होती थी जहाँ, जैसे जंगल, मसलन जंगल में जहाँ उनको शिकारी जानवर भी मौजूद हों जहाँ पे, और उनकी खुराक के लिए जंगली फलों से वो अपनी खुराक का इंतज़ाम करते थे। इस तरह वक्त के साथ साथ माशरे में तब्दीलियाँ आती चली गईं और ज़राती माशरे में तब्दील हुए, और ज़राती माशरे में लोगों ने जो एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल होते थे, जो नकल मांग मकानी करते थे, वहाँ उन्होंने अपने लिए फसलें उगाना शुरू की और फसलों की पैदावार शुरू की, मवेशी पाले ताकि अपनी ज़िंदगी के गुजर औकात का इंतज़ाम कर सकें। और ये माशरा तकरीबन हज़ारों साल पहले का माशरा था। फिर इस माशरे ने अपनी तंजीमें नौ की, अपनी बहाली के लिए काम किया, और ये मुख्तलिफ शक्लों में बदलते चले गए। उसके बाद सनती माशरा आया। सनती माशरा यानी कि जो ज़राती माशरे की तरक्की याफ्ता तस्वीर थी। और सनती माशरे में जो लोग पहले ज़राती माशरे में जो लोग हाथों से फसलें उगाते थे, मवेशियाँ पालते थे, उसके बाद लोगों ने सनती माशरे में लोग टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल किया और जदीद मशीनरियों से और औज़ारों से पैदावार और तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए बरूए कर लाए और अपनी पैदावार में इजाफा किया और तेज़ रफ्तारी पैदा की। और इसी तरह इससे शहरी सकाफत का आगाज़ हुआ। इसके बाद अब हम आगे ये बताते हैं बच्चों, आगे हम ये पढ़ते हैं कि माशरे में कैसे तब्दील होते हैं, क्या माशरे एक जैसे रहते हैं या मुख्तलिफ मराहिल में तब्दील होते रहते हैं। माशरे तब्दील क्यों होते हैं, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। माशरे तरक्की पज़ीर माशरे अपने इर्तिका के लिए तब्दील होते हैं, यानी कि अपनी नशोनुमा के लिए तब्दील होते हैं, या बाज़ औक़ात माशरे अपने दवाम के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी तंजीम नौ के लिए तब्दील होते हैं। जदीद हालात के पेश नज़र जिद्दत से हम आहंग होने के लिए माशरे तब्दील होते हैं और जदीदियत उनके अंदर आती है ताकि नए दौर का आगाज़ किया जाए और उनकी तरक्की और तदरीज की जाए। कुछ माशरे ऐसे होते हैं जो वैसे ही रहते हैं, वो अपने अंदर किसी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो माशरे, और ऐसे माशरे आज भी मौजूदा दौर में श्रीलंका, यूनान और हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में मौजूद हैं। बहुत से माशरे तब्दील क्यों नहीं होते हैं, उसकी वजह, उसके असबाब मुख्तलिफ असबाब हैं। उसकी पहली वजह कि वो अपने मज़ाहिब की वजह से वैसे ही रहते हैं जैसे उनके आबा अजदाद रहते चले आ रहे थे, ना तो वो अपने माशरे में तब्दीली करते हैं, ना वो अपना मज़हब तब्दील करते हैं, ना अपनी रहन सहन में तब्दीली करते हैं। नंबर 2 के बाद माशरे सकाफती की पाबंदी की वजह से भी वैसे ही रहते हैं, यानी कि जो उनकी तर्ज ज़िंदगी होती है, जो उनकी कल्चर होता है, जो उनकी रस्म रिवाजात होती हैं, जो मज़हब होता है, ना तो उसको तब्दील करते हैं और ना ही रस्म रिवाजात में किसी तब्दीली को बर्दाश्त करते हैं और उसमें कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं होती। अपने रस्म रिवाज की पाबंदी करते हैं जो बरसों से
जो बरसों से उस माशरे का हिस्सा होते हैं, और जो उनके आबा अजदाद जो रस्में अदा करते चले आ रहे हैं और जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, वो उसी पे पाबंद रहते हैं और उसी किसी भी तरह की उसमें किसी भी तरह की तब्दीली को वो गुना तसव्वुर करते हैं। इस तरह माशरे तब्दील होते चले गए और माशरे की आज जो मौजूदा शक्ल है हमारे सामने, वो एक तरक्की याफ्ता माशरे की मौजूदा शक्ल है और ये मौजूदा शक्ल है। इस तरह आपको माशरे के बारे में और माशरे के तब्दील होने के बारे में और सकाफत के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल हुई। उम्मीद है कि ये सबक आपकी समझ में आ गया होगा और इसके साथ ही हमारा आज का सबक बाप नंबर 3 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।